जिस समय इजराइल लेबनान में हिजबुल्ला का अस्तित्व मिटाने पर तुला था, उसी वक्त ईरान ने इसराइल पर 180 से अधिक मिसाइलें बरसाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। ईरान जो अब तक इसराइल से सीधे तौर पर युद्ध नहीं छेड़ रहा था, वो भी अब इस युद्ध में कूद पड़ा है। क्या ये आगाज होगा तीसरे विश्व युद्ध का, या फिर ये अंत होगा ईरान का? मिसाइलों के हमलों से आग बबूला बैठा इसराइल रुलाना चाहता है ईरान को खून के आंसू। इसराइल का कौन सा प्लान है जिसको सुनकर अमेरिका भी सक पका गया? इसराइल के हर बात पर हामी भरने वाला अमेरिका भी क्यों रोकना चाह रहा है इसराइल को? इसराइल का प्लान सुनकर आप भी भौचक्का रह जाएंगे। बदले के आग में बैठा इसराइल अपनी योजना के कुछ चरणों को तो पूरा भी कर चुका है। हिजबुल्ला के अंत का लक्ष्य लेकर इजरायली सेना लगातार लेबनान पर हमला कर रही है। इसी बीच इजरायली सेना को एक और बड़ी सफलता मिली। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के दामाद हसन जाफर अल कासिर को इजरायली सेना ने ढेर कर दिया। वहीं इसराइल सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, उसने दूसरी तरफ कल ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की अपनी यहूदी मुल्क में एंट्री बैन कर दी। इसके साथ ही इसराइल ने उन पर पर्सोना नॉन ग्रांटा भी लगा दिया है, जिसका साफ मतलब है कि ऐसा शख्स जो गैर जरूरी है, जिसकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता और नेतन्याहू उन्हें इसराइली धरती पर कदम रखने लायक नहीं समझते। इस बात की घोषणा इसराइली विदेश मंत्री इसराइल कार्ट्स ने एक्स पर पोस्ट करके किया, जो कोई भी इसराइल पर ईरान के घिनौने हमले की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं कर सकता, जैसा कि दुनिया के लगभग हर देश ने किया है, वो इसराइल की धरती पर कदम रखने का हकदार नहीं है। एंटोनियो एक ऐसे महासचिव हैं जिन्होंने अभी तक 7 अक्टूबर को हमास के हत्यारों द्वारा किए गए नरसंहार और यौन अत्याचारों की निंदा नहीं की है, ना ही उन्होंने उन्हें आतंकवादी संगठन घोषित करने के किसी प्रयास का नेतृत्व किया। अब बात करते हैं नेतन्याहू के ईरान को लेकर मेन प्लान की। तो विशेषज्ञों के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिका को 4 चरणों की योजना से बदला लेने का प्लान बताया, जिसमें सबसे पहले इसराइल ईरान के सभी तेल भंडार पर हमला कर सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका के ईरान पर प्रतिबंध लगाने के बाद दुनिया ईरान से तेल नहीं खरीद रही है, लेकिन ईरान अपना तेल भंडार भविष्य में बेचने के लिए सुरक्षित जमा करके रखा है। इसराइल का दूसरा चरण सुनकर तो अमेरिका भी भौचक्का रह गया। दूसरे हिस्से में इसराइल ईरान के सभी परमाणु कार्यक्रम पर हमला कर सकता है, जिसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। न जाने कितने ईरानी लोगों की इसमें मौत तक हो जाएगी, इसलिए अमेरिका इसमें इसराइल का साथ देने से कतरा रहा है। वहीं तीसरे चरण में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद हमास नेता इस्माइल हानिया की तरह ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की हत्या कर दे। जब से ये खबर ईरान पहुंची है, तब से मोसाद के डर से ईरानियन राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन अपना ही मुल्क छोड़कर कतर भाग गए हैं। इन सब के बाद चौथे और अंतिम चरण में इसराइल ने ईरान में तख्ता पलट करने की योजना भी बनाई है। जिस तरह बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका की मदद से शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया था, ठीक उसी तरह ईरान में इसराइल की मदद से रेजा पहलवी तख्ता पलट कर सकते हैं। आज की ईरानियन सरकार का रेजा पहलवी कोई और नहीं बल्कि शाह ऑफ ईरान के बेटे हैं। एक वक्त था जब आज के खूनी दुश्मन ईरान और इसराइल बहुत अच्छे दोस्त थे। तब की बात है जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। उस वक्त ईरान और इसराइल दोनों की दुश्मनी इराक से थी। इराक से लड़ने के लिए इसराइल ने ईरान को अमेरिकी F-4 लड़ाकू विमानों के 250 स्पेयर टायर दिए थे, और इसी वक्त मोसाद और ईरानी खुफिया एजेंसी दोनों ने हाथ मिलाकर इराक के खिलाफ जंग भी छेड़ दी थी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।